जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। बुधवार शाम लॉकडाउन का पालन करा रहे कुछ पुलिसकर्मियों पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिस पथराव में एक एएसआई सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। धौलपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कोटला मोहल्ले में हुए पथराव की सूचना मिलते ही सीओसीटी देवी सहाय मीना के साथ थाना प्रभारी रमेश तवर में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए घर घर तलाशी अभियान चलाया गया। भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल को देखते हुए घर में छुपे उपद्रवियों में से पुलिस ने पथराव करने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी रमेश तवर ने बताया कि पटपरा तिराहे पर लॉकडाउन का पालन के लिए कुछ पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था, जहां कुछ लोग बेवजह घर से बाहर निकले तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिस पर उपद्रवियों की पुलिस से बहस हो गई, जिसकी सूचना मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने कोतवाली थाने पर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस को देखकर उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिस पथराव में एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पथराव की खबर मिलते ही मौके पर सीओसीटी के साथ कोतवाली और निहालगंज पुलिस पहुंच गई, जहां घायल पुलिसकर्मियों द्वारा बताया गया घरों पर पुलिस ने दबिश की कार्यवाही कर उपद्रवियों को राउंडअप किया। मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि 10 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। Okay.